नागौर राजस्थान से हूँ और मेरा जो स्कूलिंग वगैरह हुआ था वो 9th तक गांव में हुआ था। पहले 5th क्लास तक तो गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था, फिर एक प्राइवेट कॉलेज थी लेकिन स्कूल थी लेकिन उसका भी इतना कोई स्टैंडर्ड नहीं था। फिर 10th क्लास में घर वालों ने मुझे सिटी में भेज दिया। मेरा एक भाई था, उसकी वहाँ पर एक कोचिंग वगैरह थी, उसने अच्छा एजुकेशन कर रखा था, IIT से पास आउट था, तो उसके पास भेज दिया मुझे जोधपुर। मेरा ऐसे मन नहीं लगा था जोधपुर में, मैं सारे दिन ऐसे रखता था क्या है मैं कहाँ गया, तो ऐसे मतलब स्कूल भी नहीं जाता था। वैसे कैसे करके एग्ज़ाम दिया और 62.33% बने थे 10th में। इलेवंथ के अंदर घर वालों ने बोला साइंस ले ले, मेरा भी थोड़ा मन था मैथ्स लेने का, तो IIT करने लगे। ऐसे इंग्लिश मीडियम और स्टार्ट कर दी थी इलेवंथ में, तो हिंदी का स्टूडेंट अब इंग्लिश में क्या समझ में आया, वहाँ पे इंग्लिश ही समझ में नहीं आती। एक महीने तक ट्राई किया, कुछ नहीं हुआ, फिर छोड़ दी पढ़ाई। ट्वेल्थ में जैसे पढ़ाई स्टार्ट की तो थोड़ा समझ में आने लग गया था, और स्कूलिंग मतलब जो बोर्ड का था वो पढ़ाई की थी, वहाँ पर वैसे मैं टॉपर बन गया था एक्चुअली में, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट हो गई थी लगभग मेरी। और फिर 12th में 72% ही बने, बट मेरे लिए काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट था। ट्वेल्थ के साथ मैं जेई मेंस का और फॉर्म भर रखा था, तो मैंने पेपर दिया जेई मेंस का, तो मुझे एक क्वेश्चन आता था, वो था ऑप्टिक्स का, पूरे पेपर में एक क्वेश्चन आता था, बट मुझे ऐसा लगता था हाँ ये पेपर इतना सिंपल आता है, उस टाइम ऐसा लगता था IIT पता नहीं क्या होता होगा, जेई एडवांस वगैरह वगैरह, तो उस टाइम मुझे ऐसा लगा कि हाँ अपन IIT भी कर सकते हैं। वालों सब ने मना कर दिया कि नहीं IIT नहीं करनी है भाई वगैरह, सब ने मना कर दिया कि IIT में इतना तो नहीं कर पाएगा, BSc कर ले वगैरह। फिर घर वालों का कोटा तो नहीं भेज सकते तुझे, तू सीकर जा सकता है अगर IIT की करनी है तो CLC सीकर में जाते ही मेरा पहला टेस्ट दिया, उसमें मेरे नीचे से 5th रैंक आई थी। टेस्ट में अराउंड 400-500 बंदे थे, उनमें नीचे से 5वीं रैंक आई थी। मुझे ऐसा कुछ फील ही नहीं होता था क्योंकि मैं तो शुरू से ही मतलब शुरू से नहीं कभी डब पर कभी टॉप पर ऐसे चलता रहता था लाइफ में। हर टेस्ट में नंबर बढ़े तो उससे कॉन्फिडेंस हर बार जागता रहा कि हाँ अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है, सही हो रहा है। घर वाले भी ऐसे सही थे, हाँ बेटा पहले मैं तेरे 2 नंबर आए थे, इस बार इतने नंबर आ रहे हैं, सही है सही है, उनको मतलब ऐसा लगता हाँ हो जाएगा हो जाएगा। IIT वाले टाइम बस इतना ही सोचा था कि IIT में सिलेक्शन होना चाहिए, सिलेक्शन तो हो गया, बट बाद में पता लगा कि कॉलेज के लिए रैंक भी लानी होती है, तो वो इतना पहले पता नहीं था। इससे बढ़िया है MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में अपन सिविल से BTEC कर लेते हैं, तो फिर मैंने वहाँ से BTEC स्टार्ट की। फिर इतनी पढ़ाई करी कि अपन को क्या पढ़ने की टेंशन है, सिविल बनाना चाहिए, मतलब थिंकिंग ऐसी हो गई। फिर पढ़ाई बंद कर दी, वापस बंद की, फर्स्ट सेम का एग्ज़ाम हो गया, सेकंड सेम का एग्ज़ाम हो गया। जैसे सेकंड सेम का एग्ज़ाम हो उसके बाद में फर्स्ट का रिजल्ट आया, तो उसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं एग्ज़ाम में, उनमें 3 में बैक। पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, वापस सही अच्छे परसेंटेज बनने लगे थे कॉलेज में भी, और फिर 3rd ईयर फाइनल ईयर में आए तो ऐसा लगा कुछ क्रेजी करते हैं। उस टाइम फिर गेट का स्टार्ट किया था, गेट में कॉलेज के साथ क्या, कॉलेज के साथ 835 रैंक आई थी
और उसके बाद मैंने सोचा एक बार और कर देते हैं गेट की मतलब कोचिंग वगैरह कर लेते हैं। फिर दिल्ली से क्या 11th रैंक आ गई बस। हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश लामरोड। आई सिक्योर्ड AIR 11 इन गेट 2019। अपन एक बार ऐसे वाइडली देख लेते हैं कि गेट में कोई बंदा कैसे प्रिपरेशन, कहाँ से सही ढंग से कितनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, अगर अपन जून जुलाई से स्टार्ट करते हैं या फिर जनवरी फरवरी से स्टार्ट करते हैं वो भी मैटर करता है। अगर जून जुलाई से अगर अपन जनवरी फरवरी से स्टार्ट करते हैं वो देखते हैं पहले। उसमें क्या होता है, जनवरी से या फिर फेब से स्टार्ट किया तो वो फेब से मार्च अप्रैल मई तक शायद काफ़ी सिलेबस हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े सब्जेक्ट स्टार्ट बड़े बड़े सब्जेक्ट से करना चाहिए। एक सब्जेक्ट बड़ा ले लिया, एक छोटा ले लिया, ऐसे सही रहता मेरे अकॉर्डिंग। और फिर लगभग अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए उस बंदे को एक बार एटलीस्ट। और उसके बाद में टेस्ट तो साथ साथ में देना चाहिए, हर संडे टेस्ट सही रहता है। और जो सब्जेक्ट पढ़ लिया उसका उसी संडे टेस्ट हो गया, तो उससे रिविजन और शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। अगर अपन जनवरी फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम मिल जाता है और अच्छे सा हो सकता है सारा सिलेबस कवर। जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी काफ़ी कुछ कर सकता है, मैं भी उनमें ही था एक। तो फिर अपन सिलेबस हो जाता है जुलाई अगस्त तक सिलेबस हो जाता है, फिर साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी हो सके तो बनाने चाहिए ताकि अपन याद कर सके। शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए ताकि वो बाद में रिविजन के लिए काफ़ी सही रहता है। और साथ में अपन टेस्ट देते जाएंगे तो टेस्ट से और ज़्यादा फ़ायदा होगा। और रेगुलरली एक दो कोचिंग के टेस्ट थ्री ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिससे कि एक तो जिस कोचिंग में अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो वो देते हैं, एक दूसरी और कोचिंग का ज्वाइन कर लो तो दो कोचिंग का पैरेलल सही रहता है। और फिर फुल लेंथ टेस्ट अराउंड नवंबर या दिसंबर जब भी स्टार्ट होगी इस कोचिंग का तो उसी टाइम कर लेना चाहिए। जो कोचिंग वाले बना रखा है शेड्यूल वो एकदम सही है। अब कोई है जो जून से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहा है तो उसका भी सिलेबस लगभग अक्टूबर या फिर नवंबर लास्ट तक तो होना ही चाहिए। ऐसे आधा सिलेबस मतलब एक बार सारा कंप्लीट सिलेबस हो जाना चाहिए नवंबर लास्ट तक, और आधा सिलेबस है वो एक बार रिवाइज भी हो जाना चाहिए साथ साथ में। जैसे सबसे पहले पढ़ा था वो सब्जेक्ट दो तीन बार कर लिया, और उसके बाद में वो पढ़ा वो दो तीन बार कर लिया। जो कोचिंग में भी ऐसे ही करवाते हैं, नवंबर लास्ट तक शायद हो जाता है सिलेबस, उसके बाद टेस्ट फुल लेंथ स्टार्ट हो जाते हैं, टेस्ट देना स्टार्ट कर दो बस। अब सिविल इंजीनियरिंग में अपन को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, कौन सा नहीं पढ़ना होता है, कितना पढ़ना होता है, क्या गेट में क्या पूछते हैं, ये देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे लगता है अपन को स्टार्ट करना चाहिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से, क्योंकि मैकेनिक्स बेसिक होता है सारा। जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया तो वहाँ भी फ्रिक्शन आएगा, तो फ्रिक्शन पहले मैकेनिक्स बेसिक होगा। और मुझे लगता है कि मेरी मैकेनिक्स काफ़ी अच्छी थी, उस वजह से मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस में रहा, मैं कॉन्फिडेंस कभी मेरा लूज़ नहीं हुआ उस वजह से। तो अपन को मैकेनिक्स के साथ स्टार्ट करना चाहिए। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गई, छोटा सा सब्जेक्ट है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। तो सारा सब जैसे कोई भी सब्जेक्ट है, सोइल है, उसका भी नाम सोइल मैकेनिक्स है, तो मैकेनिक्स बेसिक हो गया। स्ट्रेंथ और मटेरियल है, ये इन सब का बेसिक होता है। फ्लूइड मैकेनिक्स है, इसका भी मैकेनिक्स बेसिक हो गया। तो मैकेनिक्स कम्प्लीट हो जाता है, फिर बाद में स्टार्ट करना चाहिए अपन को स्ट्रेंथ और मटेरियल स्ट्रक्चर वगैरह, या फिर जो भी अपनी करना चाहिए। लेकिन स्ट्रेंथ तो मेनली यही करते हैं, सोम या फिर स्ट्रक्चर, सोम उसके बाद स्ट्रक्चर उसके बाद सोइल ऐसे वगैरह वगैरह। तो सोइल सबसे ज़्यादा ऐसा मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं गेट में। तो सोइल तो अच्छे से करके जानी पड़ती है कि इसका कोई क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। 15 नंबर के आसपास इसका वेटेज होता है। मैथमेटिक्स है, उसका भी लगभग 15 नंबर के आसपास, 15 नहीं तो 10-15 नंबर का वेटेज हो जाता है लगभग। तो वो भी उसको भी काफ़ी अच्छे से करना होता है। और मैथमेटिक्स में जैसे सिविल में कॉम्प्लेक्स वगैरह नहीं है तो उनको छोड़ सकते हैं। और एक इंग्लिश भी आती है थोड़ी बहुत, तो इंग्लिश को अपन प्योरली छोड़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश सारी कोई नहीं पढ़ ही नहीं सकता। जिसका आता है ठीक है, नहीं आता है तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है। ठीक है, पहले का आता है वो कर सकता है, नहीं आता है तो अब अपन इतना टाइम नहीं है कि अब इंग्लिश को पढ़ करके उसको तैयार कर सकते हैं, उसके लिए 3 साल लग जाएंगे फिर भी नहीं होगी। तो अब इंग्लिश को छोड़ सकते हैं। 5 नंबर की आती है, अब 95 का पेपर रहा। एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड थोड़ा थोड़ा करना चाहिए तो कर सकते हैं, वैसे नहीं तो वो टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो उसके साथ साथ हो जाता है एप्टीट्यूड भी। मैथमेटिक्स अच्छे से करनी चाहिए, वो 15 नंबर के आसपास होती है। सोइल मैकेनिक्स भी काफ़ी अच्छे से, उसका न्यूमेरिकल पोर्शन हो थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल पूछते हैं, जैसे कले वगैरह के बारे में पूछ लिया, कौन सी सोइल कौन सी है, टाइप ऑफ सोइल वगैरह,
फाउंडेशन का भी, फाउंडेशन के क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर भी दो दो तीन तीन आंसर होता है, हर कुछ कैसे भी कर सकते हैं अपन अल्टरनेटिव मेथड से, तो सब आंसर देते हैं गेट में। ये सबसे अच्छी बात है, जितने भी आंसर होंगे सारे दे देंगे, हाँ ये इस मेथड से ये पॉसिबल है, वो भी आंसर दे दिया, उस मेथड से वो पॉसिबल है, वो भी आंसर दे दिया, वो भी एक बढ़िया चीज़ है गेट के। और फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट, इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज होता है। तो इसमें जो पहला पोर्शन होता है, सेकेंड चैप्टर बोलते हैं जिसको शायद, वो वाटर क्वालिटी एंड उनसे स्टार्ट करते हैं मेनली, फिर उनसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं, वो भी काफ़ी सही है, इतनी हार्ड नहीं है जितना अपन को लगता है। इन्वायरमेंटल भी ज़्यादा अंदर नहीं जाते, डेप्थ में नहीं जाते, और उसी से क्वेश्चन पूछते हैं सिंपल सिंपल। उसके बाद में स्ट्रक्चर में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं स्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रक्चरल एनालिसिस में कुछ भी ऐसा इतना बड़ा इतना टाइम नहीं मिलता है कि अपन कोई मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में टेबल बना के सोल्व कर सकें, क्योंकि उसके लिए 20-25 मिनट लग जाते हैं, तो वो क्वेश्चन भी नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि इसकी स्टिफनेस निकालो, वो निकालो, स्टिफनेस मैट्रिक्स का कोई एक एलिमेंट निकालो, तो उसमें बेसिक उसका थोड़ा पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए कि अपन को इतना डेप्थ में नहीं जाना है। जैसे मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ईएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हाँ गेट के लिए इतना सफिशियंट है, तो उसका थोड़ा ढंग से कर, ज़्यादा टाइम भी नहीं देना चाहिए और इतना आना भी चाहिए अपन को। एक उसमें IELD सबसे इम्पोर्टेंट है, IELD तो सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है और हो भी जाती है, तो IELD क्वेश्चन आता है काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। और फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स में एलिमेंट पूछते हैं, वो मैट्रिक्स स्टिफनेस या फ्लेक्चर में एलिमेंट पूछते हैं, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से वही ऐसे बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, छोटा सा पूछते हैं, इसमें डिफ्लेक्शन कंसिस्ट डिफॉर्मेशन वगैरह के लिए पूछ लिया, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, वो पहला चैप्टर है डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह, उनमें DK DS निकालना वो अच्छे से आना चाहिए, उसका हर बार लगभग क्वेश्चन आता है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल तो बेसिक होता है जो सबको आता है, शायद आना भी उसको आना, वो तो आना भी चाहिए, बेसिक है तो। बिल्डिंग मटेरियल पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए गेट में, बिल्डिंग थोड़ा थोड़ा आजकल नया ट्रेंडिंग चला है तो आ रहा है, हर साल एक दो क्वेश्चन आते जा रहे हैं। तो बेसिक सीमेंट और कंक्रीट तो करना ही चाहिए, सीमेंट कंक्रीट को ऊपर से पढ़ ले तो ठीक है, सही रहता है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन आता है जिसका ज़्यादा ना डेप्थ में पूछते हैं, ऊपर से पूछते हैं। और ट्रांसपोर्टेशन आता है उसके बाद में, तो ट्रांसपोर्टेशन में जो आगे की डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में कुछ पूछेंगे नहीं, शुरू में पूछते हैं, दो चैप्टर है जैसे ट्रैफिक वगैरह के बारे में, तो SST निकालना, OST निकालना, IST निकालना, तो उस चैप्टर को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। और फिर आता है अपना रेलवे इंजीनियरिंग, अब रेलवे के अंदर छोड़ भी सकते हैं, पढ़ के भी जा सकते हैं, या फिर दो चार फॉर्मूले होते हैं उनको रट के चले जाओ, उनसे हो जाता है कि उसमें तो ठीक है, नहीं तो अपन सारे 100 में से 100 नहीं लाने अपन को, छोड़ सकते हैं। एयरपोर्ट में भी दो चार फॉर्मूले हैं, एक विंड रोल डायग्राम क्या काम आता है, थोड़ा उसके बारे में देख के जा सकते हैं। RCC है, RCC में भी कोई ऐसे डिज़ाइनिंग तो पूछते नहीं है, नॉर्मल सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई ज़्यादा वेटेज भी नहीं है। स्टील में भी सेम, कनेक्शन पढ़ के जाना चाहिए, कनेक्शन तो एटलीस्ट पढ़ के जाना ही चाहिए, इसको सारी नहीं छोड़ सकते स्टील को। और इरीगेशन हाइड्रोलॉजी में, हाइड्रोलॉजी इरीगेशन काफ़ी अच्छा वेटेज है, लेकिन इरीगेशन के पीछे वाला पार्ट नहीं आता, आगे वाले पार्ट से पूछते हैं, जैसे कि वो स्ट्रेसेस वगैरह के बारे में, डैम वगैरह नहीं पूछता जाता गेट में, तो जितना पूछा जाता है उतना ही प्रोसीजर देख करके उतना ही पढ़ना चाहिए। सर्वेइंग एक इसको सब्जेक्ट नहीं बोल सकते, ये एक एप्टीट्यूड होता है सर्वे, तो अपन को एप्टीट्यूड अच्छा है तो सर्वे का कोई भी क्वेश्चन बिना पढ़े भी कर सकते हैं, तो सर्वेइंग एप्टीट्यूड आएगा तो सर्वे हो ही जाता है, और नहीं है तो फिर सर्वे थोड़ा ऊपर से फॉर्मूला वगैरह देख लेना चाहिए, कोई बड़ी बात सर्वे में प्रोसीजर करेंगे तो भी हो जाता है। एक सब्जेक्ट PERT CPM भी आता है, क्वेश्चन कभी कुछ छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है, तो PERT CPM थोड़ा नेटवर्क वगैरह देख लेना चाहिए, कोई हार्ड नहीं है, वो सिंपल है। उसके बाद अब अपन देखते हैं कि गेट में क्या एलिजिबिलिटी, क्या कौन किसको गेट की तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्या वो एलिजिबल है या नहीं है। तो जो मेनली PSUs है, IIT है, तो 60% तो मिनिमम मांगते हैं, 60% होने चाहिए, अगर ग्रेजुएशन में 60% है तो करनी चाहिए गेट की प्रिपरेशन, नहीं तो ESC की करनी चाहिए, क्योंकि गेट में लगभग सारी PSU 60% मांगती है, IOCL 65% इन ग्रेजुएशन मांगती है, तो ये हो गया। और गेट में 65 क्वेश्चन आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप होते हैं और कोई ऐसे जो ऑप्शन वाले होते हैं, तो कोई 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, कोई 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। 65 में 30 1 नंबर के हो गए,
35 क्वेश्चन 2 नंबर का हो गए। एप्टीट्यूड और इंग्लिश मिला करके 15 नंबर का होता है, अलग सेक्शन में आते हैं क्वेश्चन, और बाकी मैथ्स और जो भी सेल्फ अपनी इंजीनियरिंग कोई भी ब्रांच है उसका 85 मार्क्स का अलग से आता है उस बी सेक्शन में। तो कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, ये गेट एक शॉर्ट एग्ज़ाम, शॉर्ट पीरियड एग्ज़ाम है, तो अपन को लगभग 7 या 8 घंटे तो रेगुलरली पढ़ाई करनी ही चाहिए, और कोचिंग कर रहे हैं तो 5-6 घंटे मिल जाते हैं आराम से, 5-7 घंटे आराम से मिल जाते हैं। और लास्ट के टाइम पर दिन में डेली रेगुलरली एक टेस्ट तो देना चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट, एक अराउंड एक मंथ तक जनवरी में अंदर डेली एक टेस्ट होना चाहिए। थैंक यू सो मच, एंड जो आगे गेट प्रिपेयर कर रहे हैं उनको वेरी ऑल द बेस्ट।